हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। अपन जो अपना एमएससी फाइनल में ज्योग्राफी की जो क्लासें अपने चल रही थी, जिसमें अपना जो पेपर चल रहा था क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशनोग्राफी में अपन पढ़ रहे थे, जलवायु और समुद्र विज्ञान में अपन ने जो अपना सब्जेक्ट चल रहा था, पेपर चल रहा था, और उसमें आज अपना एक नए टॉपिक में अपन जो विश्व की जो जलवायु वर्गीकरण जो किया था, अलग अलग भूगोलवेताओं ने अपने समय पर अलग अलग अपना जो विचार प्रस्तुत किए, अपने शोध प्रस्तुत किए, और उन्हीं में जो सर्वमान्य अपने पास में जो सिद्धांत निकल कर सामने आया वो था अपने पास में जो है कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। यानी जो विश्व की जो अपने पास में जो जलवायु वर्गीकरण है उसके बारे में अपन आज उसी टॉपिक में चर्चा करेंगे कि जो मिस्टर जो कोपेन है उसने किस प्रकार से विश्व की जलवायु का वर्गीकरण किया, कौन कौन से क्षेत्रों का उन्होंने विभाजन किया, तो उसी के बारे में अपन आज चर्चा करते हैं। पहले सबसे पहले अपन मिस्टर कोपेन के बारे में अपन उन्होंने जो सिद्धांत दिया था उसके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं जो मिस्टर जो अपने पास में कोपेन हैं उनका पूरा नाम व्लादिमीर पीटर कोपेन है। यानी व्लादिमीर पीटर कोपेन उनका पूरा नाम है और ये जर्मनी के थे। यानी ये कौन से देश के थे? जर्मनी के। और इनका पूरा नाम था व्लादिमीर पीटर कोपेन। और इन्होंने जो अपना जो विश्व की जलवायु का जो वर्गीकरण किया उसकी वर्गीकरण की शुरुआत उन्होंने सबसे पहले की थी 1919। यानी कि इन्होंने जो जलवायु का वर्गीकरण 1919 में जो वर्गीकरण किया था वो मात्रात्मक आधार पर किया था। और फिर उसके बाद में संपूर्ण जो विश्व की जलवायु का जो वर्गीकरण किया वो 1931 में संपूर्ण विश्व की जलवायु का वर्गीकरण किया। यानी कि शुरुआत कहाँ से हो गई? 1931 में उन्होंने संपूर्ण विश्व की जलवायु का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। और उसके बाद में 1936 में ये जो उन्होंने 1931 में जो संपूर्ण विश्व की जो जलवायु का वर्गीकरण किया था उसमें कुछ कमियां रही होगी और उन कमियों को दुरुस्त करके 1936 में अपना जो संशोधित जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। यानी कि 1936 में संशोधित जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया। यानी कि शुरुआत 1931 में संपूर्ण विश्व की जलवायु का वर्गीकरण प्रस्तुत किया और इसमें 1936 में संशोधित करके उसको दोबारा से प्रस्तुत किया 1936 में। और उसी समय ये सिद्धांत एक वर्तमान में अपन कहें कि एक महत्व अपना है जिससे संपूर्ण विश्व की जलवायु का वर्गीकरण होता है। अब इन्होंने जो वर्गीकरण किया था उन्होंने बताया जो वर्गीकरण का आधार जो था इनके वो था इनमें वनस्पति। यानी जो कोपेन थे वो जर्मनी में वनस्पति और जलवायु विज्ञान के जो भूगोलवेता थे और उन्होंने जो अपना सिद्धांत जो प्रस्तुत किया उन्होंने वनस्पति और जगत समुदाय के आधार पर उन्होंने प्रस्तुत किया। और इसी आधार पर यानी कि वनस्पति के आधार पर जो उन्होंने अपना जो सिद्धांत प्रस्तुत किया था उसी के आधार पर इनके सिद्धांत को वनस्पति का आनुभविक संकल्पना या अवधारणा के नाम से इनके सिद्धांत को जाना जाता है। यानी वनस्पति की आनुभविक अवधारणा के नाम से इसको जाना जाता है। इन्होंने बताया कि जो अपने पास में वनस्पति यानी जो पेड़ पौधे हैं उनका जो विकास होता है, यानी कि उन्होंने बताया कि पौधों का जो विकास है उसकी अगर बात कर लेते हैं तो उन्होंने बताया कि पौधों के विकास के लिए वर्षा की प्रभावशीलता, यानी कि पौधों के विकास के लिए वर्षा की प्रभावशीलता की आवश्यकता होती है। नंबर दो, वर्षा की मात्रा। और नंबर तीन, तापमान की प्रचुरता।
ये तीन चीज़ों की आवश्यकता होगी। यानी व्लादिमीर जो अपने पास में पीटर कोपेन थे, उन्होंने कहा कि पौधों के विकास के लिए वर्षा की प्रभावशीलता, वर्षा की मात्रा और तापमान की प्रचुरता परम आवश्यक होती हैं। इसी से जो वनस्पति पर अपना जो विकास पर, उसके प्रादुर्भाव पर, उनके जो भी वृद्धि पर, इन तीनों का प्रभाव पड़ता है। और इसी के आधार पर, इन्हीं को ध्यान में रखते हुए मिस्टर जो कोपेन ने अपना संपूर्ण जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। तो शुरू में अपन एक बार और देख लेते हैं, मिस्टर जो कोपेन कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के रहने वाले थे। जर्मनी के जो अपने जलवायु और वनस्पति विज्ञान के भूगोलवेत्ता के रूप में इनको संपूर्ण विश्व में पहचानते हैं, जाना जाता है। और इनका पूरा नाम व्लादिमीर पीटर कोपेन है। और इन्होंने जो अपनी सिद्धांत की शुरुआत 1919 में मात्रात्मक तरीके से की थी, 1931 में संपूर्ण विश्व की जलवायु का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। और इस सिद्धांत में 1936 में उन्होंने संशोधित करके अपना जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया, जिसमें जिसका आज भी संपूर्ण विश्व में महत्व है। और ये जो जलवायु वर्गीकरण वनस्पति और जीव जगत के आधार पर, जीव जगत के आधार पर उन्होंने प्रस्तुत किया था। और इसीलिए इनके जो सिद्धांत को वनस्पति की आनुभविक अवधारणा या संकल्पना के नाम से इसको जाना जाता है। तो उनका जो संशोधित जो अपना सिद्धांत है वो कब आया था? 1936 में। और उन्होंने बताया कि पौधों का जो विकास है उसके लिए वर्षा की प्रभावशीलता, वर्षा की मात्रा और ताप की प्रचुरता होना एक परम आवश्यक है। ये इन्होंने शुरुआत की थी। और इन्हीं को ध्यान में रखते हुए इन्होंने अपने जो सिद्धांत की जो शुरुआत की उसकी अपन बात करते हैं कि उन्होंने जो वर्गीकरण किया वो किस प्रकार से किया, कि संपूर्ण जो विश्व का जो जलवायु वर्गीकरण जो इन्होंने प्रस्तुत किया उसके लिए इन्होंने सबसे पहले अंग्रेजी के जो कैपिटल लेटर्स हैं उनका यूज किया है। यानी संपूर्ण विश्व को उन्होंने 5 भागों में, जलवायु की दृष्टि से 5 भागों में इन्होंने डिवाइडेशन यानी उनको बांट दिया है। यानी वर्गीकरण में अंग्रेजी के कैपिटल लेटर्स का प्रयोग किया है। यानी कि जो बड़े अक्षर होते हैं उनका इन्होंने यूज किया है और उसी के आधार पर इन्होंने जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया। और कितने भागों में? महत्वपूर्ण 5 भागों में इन्होंने डिवाइडेशन यानी बांट दिया। पहला अपन भाग की बात करते हैं, पहला इन्होंने जो लिया ए, यानी कि ABCD अपना कैपिटल ए। और उन्होंने एक जहाँ पर इंडिकेट किया, जहाँ पर इन्होंने दर्शाया उस प्रदेश को उन्होंने कौन सा कहा? उष्ण कटिबंधीय या भूमध्य रेखीय, आर्द्र जलवायु। यानी कि ए जो उन्होंने यूज किया वो कौन से प्रदेशों के लिए? उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेशों के लिए या भूमध्य रेखीय जो आर्द्र जलवायु प्रदेश हैं उनके लिए उन्होंने इंग्लिश का अपने पास कैपिटल लेटर ए का यूज किया। बी का जो इन्होंने यूज किया शुष्क जलवायु के लिए, यानी कि जो जहाँ पर शुष्क जलवायु पाई जाती है उनके लिए कौन से लेटर का यूज किया? बी। इन्होंने सी का यूज किया उष्ण शीतोष्ण आर्द्र जलवायु। और उसके बाद में डी शब्द का जो यूज किया उसके लिए शीत शीतोष्ण जलवायु। और ई शब्द का यूज किया वो था अपने पास में ध्रुवीय जलवायु के लिए। यानी कि ये इसके 5 प्रमुख पार्ट थे, 5 प्रमुख भाग थे कि जो कैपिटल लेटर्स के, अंग्रेजी के जो कैपिटल लेटर्स का जो यूज किया था विश्व की जलवायु का वर्गीकरण करने के लिए, उनमें ए जो किसके लिया? उष्ण कटिबंधीय भूमध्य रेखीय आर्द्र जलवायु के लिए, बी शुष्क जलवायु के लिए, सी अपने पास में उष्ण शीतोष्ण आर्द्र जलवायु के लिए, डी यूज किया इन्होंने शीतोष्ण जलवायु के लिए, और ई अपने पास में ध्रुवीय जलवायु के लिए। अब ये कहाँ पर पाई जाती है, इनका अपन वर्गीकरण है इसके जो बाद में इसी में अपन करेंगे, लेकिन पहले इनका एक संकेतात्मक जो वर्गीकरण उसको अपन देख लेते हैं। तो ए के अपन बी और सी और डी और ई आ गया। उन्होंने एक अलग से श्रेणी बनाकर एक एच शब्द का और यूज किया है। एच शब्द जो काम में लिया है वो है उच्च पर्वतीय क्षेत्रों के लिए, उच्च पर्वतीय भाग के लिए। लेकिन इसको जो जलवायु वर्गीकरण से थोड़ा इसको अलग रखा है। तो
तो मुख्य रूप से इसके कितने हैं, पांच। लेकिन एच जो आएगा वो किसके लिए आएगा, उच्च पर्वतीय भागों में जो जलवायु होती है उसके लिए आएगा। तो अब इनके जो अपने पास में पांच जो अपने पास में जलवायु जो प्रदेश आ गए, इनमें से कुछ ऐसे जलवायु प्रदेश है जिनके उपविभाग हैं, यानी कि उपरोक्त जो अपने पास में जलवायु प्रदेश है उनका वर्गीकरण में अपने पास में ए बी सी डी और ई आ गए। इनमें से बी और ई, बी कौन सा शुष्क अपने पास में जलवायु प्रदेश और ई कौन सा ध्रुवीय जलवायु प्रदेश, इनके उपविभाग हैं। तो अपन बी जो है, बी कौन सा अपने पास में शुष्क जलवायु, इस शुष्क जलवायु वाले भाग को दो भागों में इन्होंने बांट दिया। शुष्क जो जलवायु प्रदेश था उनको इन्होंने दो भागों में बांट दिया। पहला अपने पास में जो आ रहा है वो था अपने पास में बी एस, यानी कि ये दोनों कैपिटल लेटर्स हैं बी और एस। बी एस जो शब्द यूज होगा वो स्टेपी जलवायु के लिए, और दूसरा इसमें आएगा बी डब्ल्यू, वो किसके लिए आएगा, शुष्क सॉरी मरुस्थलीय जलवायु के लिए, मरुस्थलीय जलवायु के लिए। तो अपने पास में जो बी अपने पास में था शुष्क जलवायु वाला जो प्रदेश था उसको दो भागों में अपने डिवाइडेशन कर दिया, बी एस और बी डब्ल्यू। बी एस में अपने पास में कौन सी जलवायु आएगी, स्टेपी जलवायु। अब अपने पास में आएगी स्टेपी जलवायु वाला प्रदेश, आपने मरुस्थल भी सुना होगा, शुष्क भी अपन ने सुन लिया, आर्द्र है, उष्ण है, शीतोष्ण है, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेशों के बारे में आपने सुना होगा। इस स्टेपी जलवायु प्रदेश के बारे में भी सुना होगा, लेकिन इतना जो हो सकता है कि गौर नहीं किया हो कि स्टेपी जलवायु अपन कौन से क्षेत्रों में पाए जाती हैं, और ये शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्रों में होते हुए भी इनका अपन ने अलग से डिवाइडेशन या इनका अलग से वर्गीकरण क्यों किया। तो आखिर स्टेपी जलवायु वाले प्रदेश होते कौन से हैं, स्टेपी जलवायु वाले प्रदेशों की पहली विशेषता क्या होती है कि इनमें अल्प मात्रा में जो हो वर्षा होती है। अब मरुस्थल में भी अल्प मात्रा में होती हैं, लेकिन मरुस्थल में जो बारिश होती है उसका जो क्वांटिटी औसत होता है वो 10 सेंटीमीटर से भी कम आता है, या अपन कह सकते हैं कि 20 के आसपास होता है वार्षिक वर्षा का औसत। लेकिन स्टेपी जलवायु वाले प्रदेशों में वर्षा की क्वांटिटी जो है वो वार्षिक जो वर्षा का औसत आता है वो 30 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की मात्रा यहाँ पर होती है। साथ में यहाँ पर ये तो आगे किसकी मात्रा, वर्षा की मात्रा, उसके बाद में अपन बात कर लेते हैं तापमान। यहाँ का जो वार्षिक तापमान होता है वो 21 डिग्री सेल्सियस, वार्षिक औसत जो टेम्परेचर होता है वो 21 डिग्री सेल्सियस होता है, और लेकिन यहाँ पर जो तापांतर में अंतर जो पाया जाता है वो 13 डिग्री सेल्सियस तापांतर, यानी दिन और रात के जो तापमान में अंतर होता है उसको अपन कहते हैं तापांतर। तो दिन और रात के तापमान में लगभग 13 डिग्री सेल्सियस तापमान का अंतर यहाँ पर पाया जाता है। ऐसी जो जलवायु जो पाई जाती है विशेष रूप से विश्व के जो अपने घास के जो मैदान होते हैं वहाँ पर पाए जाते हैं, जैसे आपने मैप में भरा होगा यूरेशिया का स्टेपीज घास का मैदान, तो वहाँ पर जो स्टेपीज जो घास के मैदान है वहाँ पर स्टेपीज जलवायु पाई जाती है, इस वजह से उस घास के मैदान को अपन स्टेपीज घास का मैदान कहते हैं। ये तो कौन से पार्ट की बात होगी, अपने पास में बी जिसके उपविभागों में डिवाइडेशन किया था। उसके बाद में अपने पास में बात आ रही है ई जलवायु प्रदेश। ई जलवायु प्रदेश अपने पास में कौन सा था, ध्रुवीय जलवायु प्रदेश, यानी ई किसके लिए संबोधित हुआ, अपने पास में ध्रुवों के लिए। तो इसको दो भागों में बांट दिया, पहला अपने पास में ई टी और दूसरा आ रहा है अपने पास में ई और एफ। ई टी जो शब्द यूज किया, ई और टी जो कॉम्बिनेशन में जो यूज कर रहा है वो कर रहा है इसमें अपने पास में टुंड्रा प्रदेशों के लिए, और जो ई टी ई एफ है अपने पास में वो टेगा प्रदेशों के लिए इन्होंने ये जो डिवाइडेशन किया है। तो जो अपने पास में उपयुक्त जो मुख्य अपने पास में जलवायु वर्गीकरण के जो पार्ट थे उनको कुछ उपविभागों में जो विभाजन किया था उसमें बी एस और बी डब्ल्यू, जो बी अपने प्रदेश था उसका शुष्क जलवायु का था, ई जलवायु प्रदेश जो अपने ध्रुवीय जलवायु प्रदेश में आती हैं उसको अपने दो भागों में डिवाइडेशन कर दिया, ई टी और ई एफ। ई टी अपने पास में टुंड्रा प्रदेशों में और ई एफ है अपने पास में टेगा प्रदेशों में। ये तो हो गए इनके उपविभाग। इसके अलावा और इसको एक बारीकी से और इसका सही तरीके से वर्गीकरण करने के लिए मिस्टर कोपे ने जो अंग्रेजी के जो अपने छोटे अक्षर होते हैं उनका भी यूज किया है, यानी जो स्मॉल लेटर्स होते हैं उनका यूज करके उन्होंने वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। और उस वर्गीकरण में उन्होंने जो है एफ यानी कि स्मॉल एफ
स्मॉल एफ का इन्होंने यूज किया, और स्मॉल एफ किस कौन से प्रदेशों के लिए? आर्द्र के लिए। यानी कि स्मॉल एफ किसको दर्शा रहा है? आर्द्रता को दर्शाता है। इसके बाद में जो अपने पास में आ रहा है स्मॉल डब्लू, जो अपने पास में स्मॉल जो डब्लू है वो किसको दर्शाएगा? जो शीत ऋतु है, शीत ऋतु है, लेकिन वो कैसी हैं? शुष्क हैं। इसके बाद में स्मॉल एफ हैं, वो अपने पास में ग्रीष्म ऋतु हैं, लेकिन वो भी कैसी हैं? शुष्क हैं। उसके लिए और उसके बाद में अपने पास में आ रहा है स्मॉल एम, स्मॉल एम जो है वो किसके लिए? जो अपने पास में जो मानसूनी जो अपने पास में यानी ग्रीष्म जो कालीन जो मानसूनी ऋतु है, यानी कि ग्रीष्मकालीन, ग्रीष्मकालीन मानसूनी प्रचुर वर्षा क्षेत्र को, वर्षा प्रदेश को प्रदर्शित करता है। यानी कि ये जो चार अपने पास में जलवायु प्रदेशों का, जिनमें इन्होंने जो स्मॉल जो कैपिटल लेटर्स का इन्होंने यूज किया था, एफ किसको? आर्द्रता के लिए, डब्लू अपने पास में शीत ऋतु है लेकिन वो कैसी हैं? शुष्क हैं। स्मॉल एस का इन्होंने यूज किया, वो किसके लिए? ग्रीष्म ऋतु हैं लेकिन वो कैसी हैं? जो है शुष्क हैं। और स्मॉल एम का जो इन्होंने यूज किया, वो ऐसी ऋतु जहाँ पर ग्रीष्मकालीन जो क्षेत्र वहाँ पर प्रचुर मात्रा में बारिश होती है। इसके अलावा कुछ उन्होंने और जो अपने पास में जो शब्द थे उनका जो वर्गीकरण किया था, उस वर्गीकरण के अनुसार अपन इनका और देख लेते हैं कैसे उन्होंने संकेतों का प्रयोग करके विश्व की जलवायु का वर्गीकरण करने का प्रयास इन्होंने किया था। यानी कि और जैसे उपविभागों में इन्होंने डिवाइडेशन किया, और विश्व की जलवायु का वर्गीकरण प्रस्तुत करने में इन्होंने एक बारीकी से अपना प्रयास किया था, और उसके लिए इन्होंने जो और जो शब्द यूज करे उनमें अपने पास में डब्लू डैश, यानी कि स्मॉल डब्लू है, ऊपर उसके डैश लगा रखा है, और इसमें कौन सी ऋतु? शरद ऋतु, शरद ऋतु में अत्यधिक वर्षा, यानी कि जहाँ पर इन्होंने W और उसके ऊपर डैश का शब्द का यूज किया है, वहाँ कौन सी ऋतु? शरद ऋतु है, लेकिन वहाँ पर उस ऋतु में कौन वर्षा की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी। फिर उसके बाद में वही W है, लेकिन उसके ऊपर इन्होंने दो डैश लगा दिए। अगर इसको अपन पढ़ें तो ये मिनट, और उसको अपन सेकेंड भी इसको अपन बोल सकते हैं, लेकिन डबल डैश में उन्होंने कहा कि साल में, यानी कि एक वर्ष में दो बार अधिकतम और दो बार न्यूनतम वर्षा, दो बार तो अधिकतम और दो बार ही न्यूनतम वर्षा को संबोधित करता है डब्लू डबल डैश वाला। उसके बाद में अपने पास में आ रहा है आई, यानी कि स्मॉल आई जो है उसमें आ रहा है कि सबसे गर्म व सबसे ठंडे जो महीने हैं उनमें जो तापांतर है, ताप का जो अंतर है, वो 5 डिग्री सेल्सियस से भी कम पाया जाता है। यानी जो आई जो यूज किया उसके लिए सबसे गर्म और सनसेट जो ठंडे महीने में जो तापांतर है वो 5 डिग्री सेल्सियस से भी कम पाया जाता है, उन प्रदेशों के लिए मिस्टर कोपे ने स्मॉल जो आई है उस शब्द का यूज किया है। उसके बाद में स्मॉल जी शब्द का यूज किया है, और उसमें जो ग्रीष्मकालीन जो वर्षा की जो शुरुआत है उसके बाद कर रहा है कि ग्रीष्मकालीन वर्षा की जो शुरुआत है वो संक्रांति के ठीक बाद में शुरू हो जाती है, ठीक पश्चात इसकी शुरुआत हो जाती है। उसके बाद में एच जो यूज किया है उसके लिए औसत जो वार्षिक तापमान है, औसत वार्षिक तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहता है। उसके बाद में के शब्द, उसमें औसत जो वार्षिक तापमान है वो 18 डिग्री सेल्सियस से जो है नीचे रहता है।
यानी कि अपने पास में एच ओ जो है उसमें औसत जो वार्षिक तापमान है वो 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है और के में औसत वार्षिक तापमान है वो 18 डिग्री सेल्सियस से नीचे पाया जाता है। उसके बाद में के डैश में अपने पास में जो है सबसे गर्म महीने का सबसे जो गर्म महीना है उसका जो तापमान है यानी ऐसे प्रदेश जो अपने पास में के डैश में आते हैं उसमें सबसे गर्म महीने का तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहता है। यानी कि गर्म महीना है सबसे गर्म महीना है उसका जो टेम्परेचर है वो 18 डिग्री सेल्सियस से क्या पाया जाता है नीचे पाया जाता है। स्मॉल जो एन है वो अपने पास में जो कोहरा होता है उसकी भरमारता को यानी कोहरे की भरमारता को दर्शाता है यानी अत्यधिक कोहरे की मात्रा को दर्शाने का काम करता है। इसके अलावा अपने पास में ए बी और सी और डी स्मॉल आते हैं जिनमें ए जो ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक जो अपने पास में गर्मी होती है और सबसे गर्म जो महीने का जो तापमान है वो 22 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहता है। यानी कि स्मॉल ए की अपन बात कर रहे हैं, इस स्मॉल ए में जो वर्ष में जो सबसे जो अपने पास में गर्म जो महीना होता है या अपन कहें कि गर्मी में जो अत्यधिक गर्मी में जो है वो टेम्परेचर अपने पास में 22 डिग्री सेल्सियस से क्या रहता है ऊपर पाया जाता है, उन प्रदेशों के लिए उन्होंने स्मॉल ए का शब्द यूज किया है। उसके बाद में अपन बात करें स्मॉल बी की, तो इसमें ग्रीष्म ऋतु में जो अपने पास में शीत जो पाए जाती हैं उसमें गर्म सबसे गर्म रहने का यानी कि ऐसे जलवायु प्रदेश जो शीतोष्ण जलवायु प्रदेश में आते हैं उन जलवायु प्रदेशों में अपन सबसे गर्म महीने की जो बात करते हैं उसका टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस से नीचे पाया जाता है। यानी कि शीतोष्ण प्रदेशों में जो सबसे गर्म महीना है उसमें टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस से कम पाया जाता है। उसके बाद में जो सी अपने पास में आ रहा है इसका जो अगला स्मॉल सी है उसमें शीत ऋतु में अपने पास में जो है शीत ऋतु है और लेकिन शीत ऋतु कैसी होती है छोटी होती है और वर्ष के जो 8 महीने होते हैं उन 8 महीनों का टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा पाया जाता है। यानी शीत ऋतु छोटी होती है, शीत ऋतु की अवधि कैसी है कम है, टेम्परेचर हाई पाया जाता है, उसे टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है। और इसमें क्या बाद में डी अपने पास में जो जलवायु प्रदेश आता है स्मॉल डी उसमें सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से कम पाया जाता है। ये जो अपने पास में जो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के सांकेतिक वर्गीकरण आया है, अब ये जो प्रदेश कहाँ पाए जाते हैं शरद ऋतु में अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र कौन से हैं, पार्ट्स कौन से हैं, किन किन क्षेत्रों का वर्गीकरण किया वो मानचित्र के साथ में अगले वीडियो में अपन और इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।